गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम रणधीर सर आप लोगों को पढ़ा रहे थे नेटवर्क। नेटवर्क में एक टॉपिक पढ़ना है टू पोर्ट नेटवर्क। ये फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को पढ़ना है, तो ये हम आप लोगों को पढ़ा कर इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, 6-7 लेक्चर लगेगा इसको ख़त्म होने में। अच्छा टॉपिक है, देखिए समझिएगा। सबसे पहले इसमें पोर्ट किसे कहते हैं, ये जो पोर्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, तो एग्जांपल हम सब पहले समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं, आपके घर में बल्ब होगा, बल्ब इस तरह से सिंबल बनाया जाता है, इस तरह से सिंबल किसका बनाया जाता है, बल्ब का। ये क्या हो गया भाई, ये बल्ब है ना, ये बल्ब है। बल्ब में क्या होता है, इधर से करंट इंटर करता है, इधर से करंट लीव होता है, बाहर निकलता है, है ना। और ये जो पेयर ऑफ टर्मिनल है इसमें कितना टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, ये कितना, दो टर्मिनल है। तो इन दोनों टर्मिनल के को, इन दोनों टर्मिनल को बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं, तो टर्मिनल, तो पोर्ट किसे बोला जाता है, ए पेयर ऑफ टर्मिनल एट विच करेंट मे बी इंटर और लीव इज कॉल्ड पोर्ट। क्या बोलते हैं, पोर्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का वो चीज़ होता है जिसमें या तो करंट इंटर करता है या तो करंट लीव होता है। इन दोनों के पेयर को, एक से इंटर करेगा एक से लीव होगा, इन दोनों को बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं, पोर्ट। समझ गए, जैसे और एग्जांपल समझिएगा रजिस्टर। क्या है भाई, रजिस्टर इसमें भी यही काम होता है, रजिस्टर ये आर है, क्या है, ये आर है। जैसे समझिएगा इंडक्टर, क्या है ये, इंडक्टर में भी यही होता है, एल है। इसमें भी दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल को बोलेंगे पोर्ट, इन दोनों टर्मिनल को क्या बोलेंगे, पोर्ट। जैसे एग्जांपल समझिएगा कैपेसिटर, क्या बोलिएगा, कैपेसिटर में भी ऐसे यही होता है सी। तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल को बुलाता है पोर्ट। तो ये समझो एग्जांपल है, ये बल्ब है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है सिंगल पोर्ट नेटवर्क का। ये सब का सब एग्जांपल है किसका, सिंगल पोर्ट नेटवर्क का। कौन सा, बल्ब है, रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ETC। ये सब एग्जांपल है किसका, सिंगल पोर्ट नेटवर्क का। लेकिन हमारे सिलेबस में सिंगल पोर्ट नेटवर्क नहीं है, बल्कि है कौन सा, टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क किसे बोलेंगे, तो समझिएगा एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क का। जैसे एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफार्मर, क्या चीज, ट्रांसफार्मर कैसे आप लोग बनाते होंगे, ट्रांसफार्मर इस तरह से ऐसे करके बनाते होंगे आप लोग, ट्रांसफार्मर को इस तरह से डिजाइन करते होंगे, यहाँ पर लगाते होंगे, ये होता होगा मैग्नेटिक कोर मटेरियल जिसको रोड से दिखाते हैं यहाँ पर, फिर इधर ये हो गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग, यही ना। तो यहाँ से आप लोग करंट I1 करवाते होंगे ऐसे, फिर यहाँ पर वोल्टेज V1 होता होगा, फिर यहाँ से करंट इधर I2 करवाते होंगे, यहाँ से क्या होता होगा, ये होता होगा V2 होता होगा, वोल्टेज क्या होता होगा, V2 होता होगा, ठीक है। तो ये अब देखिए इसमें क्या हो गया भाई, एक पोर्ट ये हो गया, ए पेयर ऑफ टर्मिनल, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से करंट अंदर की ओर आया, यहाँ से बाहर निकला। तो एक पोर्ट ये हुआ, ए पेयर ऑफ टर्मिनल, एक ये बना, एक ये वाला बना, तो इसमें दो पोर्ट हो गया। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें इस तरह से फॉलो करता है, मतलब इसमें भी हो और इधर भी हो, तो इसको बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल समझिएगा, और इसी तरह से एग्जांपल होता है, और जैसे ट्रांसमिशन लाइन, कौन सा, जैसे और होता है ट्रांसमिशन लाइन भी टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल है। नेक्स्ट होता है फिल्टर, ये भी टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल होता है। ट्रांसमिशन लाइन भी टू पोर्ट नेटवर्क है, फिल्टर भी टू पोर्ट नेटवर्क है।
इसके बाद होता है एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर भी टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल है। देखिए आप लोग एम्पलीफायर पढ़ेंगे इसलिए देखिए थोड़ा सा बताते हैं इसमें कैसे ही काम करता है। एम्पलीफायर में आप अगर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का बात करते होंगे तो आप लोग उसको इस तरह से डिजाइन करते होंगे, इसको बोलते होंगे कलेक्टर, इसको बोलते होंगे बेस, इसको बोलते होंगे इमीटर, होता होगा ना। ये होता है ग्राउंडेड, यहाँ से आता होगा लोड रेसिस्टेंस बोलते होंगे इसको, बोलते होंगे इसको बोलते होंगे आर एल, यहाँ से वोल्टेज निकालते होंगे वी आउटपुट निकालते हैं, ठीक है ना, यही ना काम होता होगा। इधर से फिर इधर देख देते होंगे इसमें आई सी करेंट, इधर से इधर देते होंगे आई बी करेंट, और ये बाहर निकलता होगा आई करेंट, फिर यहाँ पर सप्लाई करते होंगे इनपुट वोल्टेज, सप्लाई करते होंगे ऐसे करते होंगे नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए कितना हुआ, एक इनपुट टर्मिनल का ये हुआ, दो टर्मिनल और एक ये हुआ, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, फिल्टर है, एम्पलीफायर है ना। अब देखिए हमको पढ़ना इसमें क्या है, इस टॉपिक में, इस टू पोर्ट नेटवर्क में हमको पढ़ना क्या है, तो हमको पढ़ना है इसके बारे में नहीं कि इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमको टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ना रहता है टर्मिनल का बिहेवियर, टर्मिनल का बिहेवियर। लेकिन उसके पहले देखिए हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो बाइंडिंग किया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है इसको दिखाना नहीं है, बल्कि इसको एक बॉक्स में, इसको एक बॉक्स में, ब्लॉक में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉक्स। कौन सा ब्लैक बॉक्स के अंदर, इसके अंदर में कौन रहेगा, इसके अंदर में ये रहेगा पूरा का पूरा, ये जो है ये जो पूरा सर्किट है, ये जो सर्किट है ये रहेगा कहाँ, ब्लैक बॉक्स में, ठीक है, ये वाला, ये जो रहेगा, ये जो है ये पूरा पूरा कहाँ रहेगा, ब्लैक बॉक्स में, समझे। ये जो पूरा का पूरा है ये सर्किट, ये ब्लैक बॉक्स के अंदर है, ये जो सर्किट है कहाँ है, ब्लैक बॉक्स के अंदर है। अब हमको क्या करना है, अब देखिए ये ब्लैक बॉक्स में इनपुट में आई वन वी वन, इधर भी है आई वी और वी आई, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ से हम इनपुट करवा देंगे, यहाँ से क्या करवा देते हैं, यहाँ से हम करवा देते हैं, इसको बोलते हैं आई वन और इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं वी वन यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ से इधर करवा देते हैं, इसको करवा देते हैं आई टू और इसको करवा देते हैं क्या चीज़, वी टू, क्या करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इधर से भी करंट इनपुट करवा रहे हैं, इधर से भी करंट इनपुट करवा रहे हैं, ऐसा इसीलिए करवा रहे हैं ताकि जो करंट का डायरेक्शन हो सके वो सेम ले सके, क्योंकि केसीएल में किरचॉफ करंट लॉ में कहा गया है कि किसी भी नोड पे अगर इनपुट करंट होता है तो उसके लिए डायरेक्शन सेम होता है। वही काम यहाँ पर होता है कि अगर करंट का, इधर भी करंट का डायरेक्शन इनपुट में है, इधर भी करंट का डायरेक्शन इनपुट में है, तो या तो दोनों के लिए हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव, या तो दोनों के लिए हम ले सकते हैं निगेटिव, मतलब जो डायरेक्शन इसका लेंगे वही डायरेक्शन इसका, और जो डायरेक्शन इसका लेंगे वही डायरेक्शन इसका। तो हम अपना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन दोनों को क्या कर दिए, इसके अंदर कर दिए, ब्लैक बॉक्स के अंदर में, ताकि आई वन भी प्लस ले सके और आई टू भी प्लस ले सके, क्लियर ना। तो यही है ब्लॉक, यही है टू पोर्ट नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम। हमको पढ़ना क्या रहता है इसमें, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें हमको पढ़ाई करना है, इसमें हमको इस ब्लैक बॉक्स के अंदर का चीज़ नहीं पढ़ाई करना है, हमको इस ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग के बारे में नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, हमको ये जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कैसे बना, कैसे काम किया, ये नहीं पढ़ना है। बल्कि पढ़ना क्या है, बल्कि पढ़ना है इस आई वन वी वन आई टू वी टू, या तो आई बी वी आई, आई सी और वी नॉट, इसके बीच का रिलेशन, मतलब हमको इसे पढ़ना रहता है, टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ना रहता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच भाई, किसके किसके बीच, तो आई वन आई टू के बीच, वी वन एंड वी टू के बीच, इसके बीच का रिलेशन पढ़ना रहता है टू पोर्ट नेटवर्क में, समझ गए। हमको यही पढ़ना रहता है टू पोर्ट नेटवर्क में, पढ़ना है क्या चीज़, आई वन आई टू वी वन और वी टू के बीच का, इन चारों के बीच एक दूसरे के बीच का रिलेशन क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी आप इतना सब उतार लीजिए, जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे आप उतार लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें आगे बताते हैं इसका रिलेशन क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। बस एक मिनट का ब्रेक, उसके बाद आप लोगों को
ये उतार लीजिए, जब तक कॉपी पर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में क्लासिफिकेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क को हम कितने तरह से क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क बात पहले समझिएगा। टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ा क्या जाता है, टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ा जाता है बिहेवियर। किसका? टू पोर्ट नेटवर्क के, टू पोर्ट नेटवर्क के क्या चीज, टर्मिनल का बिहेवियर। इसको पोर्ट बोलते हैं, इस पोर्ट का बिहेवियर। ये हो गया पोर्ट नंबर वन, ये हो गया पोर्ट नंबर टू। तो इस पोर्ट का बिहेवियर पढ़ा जाता है, मतलब हमको पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, किसका, आई वन आई टू का और वी वन और वी टू को। तो इस बेसिस पर टोटल छः तरह से टू पोर्ट नेटवर्क को डिवाइड किया गया है। अगर आप इस सर्किट में इक्वेशन लिखते हैं वी वन और वी टू के लिए तो इसको बोलते हैं जेड पैरामीटर। इसमें वी वन वी टू का इक्वेशन लिखाता है, इसको दूसरा नाम जाता है इम्पीडेंस पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस पैरामीटर। अगर आप इस सर्किट में अगर इक्वेशन लिखते हैं आई वन और आई टू के लिए तो इसको बोलते हैं बाई पैरामीटर। क्या बोलते हैं? बाई पैरामीटर। आई वन आई टू का इक्वेशन लिखा था, इसको बोलते हैं एडमिटांस पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? एडमिटांस पैरामीटर। थर्ड, अगर आप इक्वेशन लिखते हैं वी वन के लिए और आई टू के लिए, वी वन और आई टू के लिए इसको बोलते हैं एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड पैरामीटर। ऐसा क्यों बोला जाता है, जब पढ़ाने लगेंगे तब हम बताएंगे कि इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एच पैरामीटर है, ये यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग करने में, ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने में एच पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इक्वेशन लिखते हैं वी वन और आई वन का इक्वेशन लिखते हैं तो इसको बोलते हैं टी पैरामीटर या ट्रांसमिशन पैरामीटर। इसका दूसरा नाम दिया जाता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी पैरामीटर। इसका ये भी बोला जाता है कैपिटल ए बी सी डी पैरामीटर। ठीक है, इक्वेशन किसका किसका लिखाता है? वी वन और आई वन का। ठीक है ना, और अगर आप इक्वेशन लिखते हैं वी टू और आई टू का इक्वेशन लिखते हैं इस सर्किट में, इस पूरे सर्किट में अगर इक्वेशन लिखेगा वी टू और आई टू को तो इसको बोलते हैं स्मॉल ए बी सी डी पैरामीटर या इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर। इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, किसके लिए इक्वेशन लिखाता है वी टू और आई टू के लिए, तब इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर। क्लियर ना? और अगर आप इक्वेशन लिखते हैं आई वन और वी टू के लिए याद कीजिए, इसमें हम लिखते थे वी वन और आई टू के लिए, अब हमको किसमें लिखना है? आई वन के लिए और वी टू के लिए। तो इसको बोला जाता है स्मॉल जी पैरामीटर या तो बोला जाता है इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। तो ये टोटल छः तरह का पैरामीटर होता है टू पोर्ट नेटवर्क में। टू पोर्ट नेटवर्क को टोटल छः तरह से क्लासिफाइड किया गया है उसके टर्मिनल के बिहेवियर के हिसाब से। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो है जेड पैरामीटर, बाई पैरामीटर, एच पैरामीटर एंड ये पैरामीटर ट्रांसमिशन पैरामीटर। ये दोनों पैरामीटर हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो और कंपटीशन में भी यही चार पैरामीटर से आता है, यही चार पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए। तो हम बस यही चार पैरामीटर को ही पढ़ेंगे, इसके आगे ये दोनों पैरामीटर अगर मन करेगा तो थोड़ा देख लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हम सब के लिए नहीं है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये स्मॉल ए बी सी डी पैरामीटर और स्मॉल जी पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है ना, तो हम बस यही चार पढ़ेंगे। आप लोग इसको उतार लीजिएगा ताकि हम स्टार्ट करते हैं। अब कौन सा? जेड पैरामीटर। ठीक है, जेड पैरामीटर इसको उतार लीजिए।